मैकाम्बा एक प्रकार का फंगीसाइड है, जिसमें हम बात करें टेक्निकल के बारे में तो कार्बन डाइजम 12% और साथ में मैनकोजैब 63% WP के रूप में पाया जाता है, और यह एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा मैंने बताया आपको अभी, एक फंगीसाइड के बारे में, और शॉर्ट मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसके काफ़ी सारे जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं, जैसे हम बात करें ट्रोफी है, मैकोमबैक है, उसके अलावा बेंडाको है, सिक्सर है धानुका का, उसके अलावा मर्जर है, साथ में UPL का साफ आता है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं, जिनमें सेम आपको कार्बन डाइजम और मैनकोजैब का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता है। अब हम बात करें इसमें जो क्वालिटी है उसके बारे में, किस तरह से कार्य करता है फसलों के बारे में, डोज वगैरह सब कुछ है। तो हम बात करें कार्बन डाइजम और मैनकोजैब के इस कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी और फसल के लिए सुरक्षात्मक और उपचारात्मक तरीके से जो कार्य है अब वो अपना करता है। उसके साथ में काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, अर्थात अधिक ज़्यादा हमें जो किसान है उसकी जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ता है, ये फायदा है इसका। और रोगों की यदि हम बात करें तो धान का ब्लास्ट रोग, लीफ स्पॉट, टिक्का लीफ स्पॉट, उसके अलावा ओवर रीट, मूंगफली की जो जड़ सड़ांध है, उसके अलावा अर्ली ब्लाइट है, साथ में हम बात करें लेट ब्लाइट है, ग्रे ब्लाइट है, रेड रस्ट है, और साथ में जो डाई बैग है, पाउडर मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, इत्यादि जो बीमारियां होती हैं फंगस जनित, उन सभी को ये कंट्रोल करने में एक काफ़ी जो मजबूत रोल है वो निभाता है। अब हम बात करें कि फसल में हम इसका प्रयोग किस समय में करना चाहिए, तो जब भी आपको अपनी फसल में जो भी मैंने आपको बीमारियां सारी बताई हैं, इस तरह का कोई भी फंगस जनित जो लक्षण है वो दिखाई दे, तो आप तुरंत बाद में जो इसका स्प्रे है वो करते हैं, स्प्रे इसका हमें करना होता है। और यदि हम डोज के बारे में बात करें तो भाई आप 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बना करके जो इसका स्प्रे है वो कर सकते हैं। कुछ जो फसलें होती हैं उनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर अधिकतर जो फसलें होती हैं उनमें आप इसका 1 ग्राम है वो प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे है वो कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें कौन से फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो जितनी भी आपके पास में फल सब्जियां इत्यादि होते हैं उन सभी में आप, चाहे आपकी घिया हो, लौकी हो, मिर्च हो, अदरक हो, या साथ में आपका धनिया हो, मेथी हो, कुछ भी ग्वार हो, आप सभी जगह पर इसका इस्तेमाल लो कर सकते हैं। और साथ में जितने भी आपके पास में मार्केट में दूसरे फर्टिलाइजर केमिकल आते हैं उन सभी के साथ में भी आप इसका जो मिक्सअप बनाकर जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जैसा हम प्राइस के बारे में बात कर लें तो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको इसके सिमिलर प्रोडक्ट बताए हैं उनमें ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु पर्टिकुलर इसी के बारे में यदि हम बात करें तो ये लगभग 140-150 रुपये में आपको जो 250 ग्राम है वो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जल्द मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।